डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की। देश में सामान्य से अधिक हुई धान, श्री अन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल संघों को कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध रहने तक कीमतें न बढ़ाने की दी सलाह। वर्तमान में देश में कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का लगभग 30 लाख मेट्रिक टन भंडार है मौजूद। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व बांस दिवस। बांस की उपयोगिता और लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है आज का दिन। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 17 सितंबर 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है। खरीफ फसलों में धान, श्री अन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक हुई है। खरीफ फसलों की बुआई 1,096 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हुई है। वहीं अगर धान की बात करें तो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 393.57 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 410 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती की गई है। इस वर्ष 127.77 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती और 189 लाख हेक्टेयर से अधिक में श्री अन्न, मोटे अनाज की खेती की गई। तिलहन की बात अगर करें तो इस वर्ष 193.32 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई की गई है। इसके साथ ही इस वर्ष 57.68 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती भी की गई है। और आम आदमी को राहत देने के मकसद से सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से कहा है कि वे आयात शुल्क में हाल ही में की गई वृद्धि के बाद खुदरा मूल्य ना बढ़ाएं। सरकार ने इसके पीछे कम शुल्क पर भेजे गए खाद्य तेलों का पर्याप्त स्टॉक का उपलब्ध होना बताया है। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, जिसमें ये सुझाव दिए गए। बैठक में भारतीय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन, भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ और सोयाबीन तेल उत्पादक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अग्रणी में खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई है कि ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल का MRP तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टॉक 0% और 12.5% मूल सीमा शुल्क पर उपलब्ध ना हो। विभाग ने कहा है कि कम शुल्क पर आयात किए गए खाद्य तेलों का लगभग 30 LMT स्टॉक है, जो 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। इसीलिए प्रोसेसिंग कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP बढ़ाने से बचें। दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जा रहा है। बांस सदियों से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। बांस को पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे को मनाने की शुरुआत साल 2009 में वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। बांस उगाने व इसके इस्तेमाल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बांस केवल खाने या चीज़ें बनाने के ही काम नहीं आता, बल्कि इसके कई और फायदे भी हैं। पृथ्वी पर बांस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। बांस की कुछ प्रजातियां प्रतिदिन लगभग 1 मीटर तक बढ़ सकती हैं। बांस अन्य पेड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन भी पैदा करता है। बांस उनकी तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। बांस के पौधे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। ये कार्बन सिंक के तौर पर भी काम करता है। और आइए बात करते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान की।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता रैलियों का आयोजन कर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इस महाअभियान में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग महात्मा गांधी के स्वच्छता के संदेश को आगे पहुंचाने में लगे हुए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में भी इस अभियान के तहत काफी जगह स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हुए। आगरा में ताजमहल के पश्चिमी पार्किंग के पास शीश महल पर आयोजित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो पूरे देश और प्रदेश के लोगों को स्वच्छता को अपनाकर स्वस्थ रहने का संदेश देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरुआत हुई स्वच्छता अभियान की, उसका संदेश साफ था और आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि आज से हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक के विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, स्वच्छता के अभियान को गति देने की बात हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज शुरुआत हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने भी आजमगढ़ में बड़ा गणेश मंदिर में प्रांगण में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, साथ ही सफाई कर्मियों को सुरक्षात्मक स्वच्छता किट भी वितरित की गई। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पहुंचकर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वयं नाली की सफाई अभियान में हिस्सा लेकर प्रदेश के लोगों को स्वच्छता ही सेवा है का संदेश दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान का नारा देकर पूरे देश को स्वच्छ करने का काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं और देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने वाले दूसरे अगर कोई देश में पैदा हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने चिंता किया कि देश में जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमको स्वच्छता अभियान को पूरे देश में इसको चलाने की जरूरत है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के जरिए राजनेता, छात्र, सरकारी अधिकारी और आम नागरिक एक स्वच्छ भारत की दिशा में काम करने के लिए एक साथ मिलकर सामुदायिक भागीदारी की शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और तेली बांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों और शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागिता देने वाले सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा है, ये पखवाड़ा पूरे देश में इसका शुभारंभ हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप 15 दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे और साफ सफाई भी होगा। सार्वजनिक स्थलों का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, सबका, अपने अपने घरों का भी, सबको एक आदत में इसको लाना चाहिए स्वच्छता अभियान को। सीएम विष्णुदेव साय ने इस मौके पर आयोजित स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में पीएम मोदी ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इसके बाद से ही घर घर में शौचालय बनाने के लिए सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं।
15 अगस्त 2014 के स्वच्छ भारत मिशन के हमर प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करिन और तब से 12,000-12,500 रूपया देना शुरू करिन। जगह जगह सामुदायिक शौचालय वगैरह के निर्माण शुरू हुई, तब से हमारे ये माता बहनी मन के सम्मान भी बढ़ी। गरीब के बेटा ही गरीब के दुख दर्द ला जानी, बड़े बड़े शहर में रहिया पैदा होने वाला मनोमनी जाने कि गांव में गरीब मन के समस्या का होते, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ये सब अच्छा से जानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें अपने गांव, शहर, मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 62,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड सूरजमुखी का भाव रहा 5,100 रुपए, जबकि राज्य की ही लिंक सुगूर मंडी में इस दौरान सूरजमुखी के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ दो ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है रबी और खरीफ मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की कालोल मंडी में 16 सितंबर को ज्वार का भाव रहा 3,450 रुपए, 17 सितंबर को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 सितंबर को सफेद ज्वार का भाव था 3,750 रुपए, 17 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 3,850 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की ही जम्बूसर मंडी में मंगलवार को ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए और इस दौरान विसनगर मंडी में ज्वार के सौदे 3,927 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार के भाव की बात करें तो 16 सितंबर को ज्वार का भाव था 5,300 रुपए, 17 सितंबर को इसके सौदों में 200 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद ज्वार के सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए।
बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिनमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की MSP 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की MSP में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी MSP 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के किसानों को सलाह है कि वो रब्बी की मक्का की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। वहीं नागालैंड में अदरक के खेतों से बारिश का फालतू पानी बाहर निकालें। मणिपुर में धान और अन्य फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम अवधि वाले उन्नत किस्म के लोबिया की बुवाई का काम करें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अगेती फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार करें। गांगेय पश्चिम बंगाल में पान की बेल को जल भराव से खराब होने से बचाएं। यहां के किसान जूट का अपगलन कराएं। इसके लिए जूट के बंडलों को 90 सेंटीमीटर तक की गहराई में पानी के अंदर डुबोएं, ताकि डंठलों से रेशों को अलग किया जा सके। केरल के ऊपरी हिस्सों में धान की रोपाई जारी रखें। केरल के जिन इलाकों में बारिश या तेज हवाओं की संभावना है, वहां के किसान केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। यहां के किसान सब्जियों को तेज हवाओं या बारिश में खराब होने से बचाने के लिए शेड लगाएं। केरल के उत्तरी हिस्सों में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुवाई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुवाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुवाई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। एक हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें।
इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MNIT जयपुर के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में पीएम ने हाल ही में किए गुजरात दौरे के बारे में जानकारी दी। पीएम जक्षीभाई सुथार के घर गए थे। जक्षीभाई और उनके परिवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिला है। कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अपने मुद्दों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने मुख्य सचिव को एक और ईमेल भेजा। डॉक्टरों ने कहा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उनके मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पहली बार तलब किया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अखिलेश्वर सिंह समेत तमाम आरोपियों को 7 अक्टूबर को तलब किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्रों को 825 आवासों का वितरण किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उन्हें धन्यवाद भी दिया। देश इस समय पोषण माह मना रहा है। ऐसे में देश को कुपोषण की समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत को ए ग्रेड दिया है। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर हाई फ्लड लेवल के नजदीक पहुंची। गंगा का पानी गांवों में घुसना शुरू हो गया है। जनता को बाढ़ से राहत दिलाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की। देश में सामान्य से अधिक हुई धान, श्रीयन, तिलहन और गन्ना की बुआई। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल सड़कों को कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध रहने तक कीमतें न बढ़ाने की दी सलाह। वर्तमान में देश में कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का लगभग 30 लाख मेट्रिक टन भंडार है मौजूद। दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व बांस दिवस। बांस की उपयोगिता और लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है आज का दिन। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कृषि स्टार्टअप की टीम